इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव के आवास के बाहर हलचल काफी तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव के आवास पर हलचल काफी तेज हो चुकी है। आपको बता दें, भारी संख्या में पुलिस बल बुलाई गई है। तेजस्वी यादव के आवास के बाहर एसडीएम सिटी एसपी मौजूद है। बताया जा रहा है कि एसडीएम और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या है पूरी खबर? तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, तेजस्वी यादव के आवास पर जहां आरजेडी के सभी विधायक मौजूद हैं, आपको बता दें उनके आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल बुलाए गए हैं। और ये लाइव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या है पूरी खबर? भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती? बिल्कुल, देखिए लगातार जो है पुलिस की गाड़ी अभी गुजर रही है। आप देख सकते हैं, अभी तकरीबन आधे घंटे पहले पटना पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं, सिटी एसपी हैं, एसडीएम पटना है, इसके साथ साथ कई थाने की पुलिस, लगभग 100 की संख्या में पुलिस फोर्स के साथ लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची है। और उसके बाद पूछताछ के बाद बाहर निकली है। देख सकते हैं कार्यकर्ता लगातार हंगामा कर रहे हैं। और एक तरह से कहें, ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि किसी विधायक के परिजनों ने पटना पुलिस से शिकायत की थी कि उनके परिजन को नजरबंद कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस पहुंची है। और अभी आप देख सकते हैं कार्यकर्ता किस प्रकार से हंगामा करते नजर आ रहे हैं। ये 10 सर्कुलर रोड से लेकर 5 नंबर तक पूरी तरह से पुलिस बैरिकेड कर दी थी, उसके बाद लाल तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास के अंदर पहुंची थी। बिल्कुल रजनीश, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही है पटना से, बड़ी खबर सामने आ रही है बड़े बेटे चेतन आनंद को लेकर। देखिए, तेजस्वी यादव के आवास के बाहर हलचल काफी तेज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि भाई की अगवा होने की बात किसी ने कही है। आनंद मोहन को ये बताया जा रहा है कि बड़े बेटे चेतन आनंद आरजेडी से जो विधायक हैं, उनको लेकर खबर मिल रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी रजनीश जी बता रहे थे, किसी के परिजन ने कुछ शिकायत की थी और उसी को लेकर पुलिस की टीम पहुंची थी तेजस्वी यादव के आवास पर। रजनीश, क्या ये साफ हो पाया कि कौन से विधायक के परिजन ने शिकायत की है? बिल्कुल, हम लगातार दिखा रहे हैं। कैमरामैन मनीष, आप दिखाइए 10 सर्कुलर रोड से लेकर 5 नंबर तक तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास तक किस प्रकार से हंगामा हो रहा है। और दोनों तरफ से बैरिकेड कर दी गई है पुलिस के द्वारा, और जो कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं, क्योंकि अंदर जो विधायक हैं कल से ही नजर बंद है। और उसके बाद सूचना मिली है पटना पुलिस को, उसके शिकायत पर जो है पटना पुलिस यहाँ पहुंची है, सिटी एसपी एसडीएम और तमाम थाने की पुलिस। और ये देखिए आप, जो कार्यकर्ता है किस प्रकार से नाराज है, क्या कहेंगे, क्या हुआ है। नीतीश कुमार अपने सरकारी तंत्र का प्रयोग करके तेजस्वी यादव को घेरना चाह रहे थे, लेकिन कहीं से भी वो अब इस स्थिति पहुंच चुके हैं कि उनका विश्वास तक कल हासिल नहीं कर पाएंगे। और रात भर में चाहते हैं कि हम पर सरकार पुलिस क्यों पहुंची है। विधायक को हाउस अरेस्ट करना चाहते, लेकिन अपने तेजस्वी अपने आवास में है। हाउस अरेस्ट का आरोप लगा है, हाउस अरेस्ट का आरोप लगा, लेकिन हाउस अरेस्ट तेजस्वी अपने कार्यकर्ता को पता चल गया है कि हाउस अरेस्ट का आरोप लगा है। जो विधायक है आरजेडी के, उन पर एक तरह से उनको हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगा है तेजस्वी यादव पर। और ये पटना पुलिस के रजनीश, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। इसी बीच दर्शकों को वो लेटर भी दिखा दे, जो शिकायत की बात हम कर रहे हैं, जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि परिजनों की तरफ से शिकायत की गई थी, उसकी ये तस्वीर है। ये कॉपी जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, इसी में वो शिकायत दर्ज है, जिसमें बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के आवास पर विधायकों को रखा गया है और इसको लेकर किसी विधायक के परिजन ने शिकायत की थी। और हम आपको बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के आवास पर जो चेतन आनंद मौजूद हैं, जो आरजेडी से विधायक है, कहा जा रहा है कि उनके भाई ने ही भाई के गायब होने की बात कही गई थी और उसी को लेकर शिकायत पुलिस की टीम से की गई थी। और इसी सिलसिले में पुलिस की टीम तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची थी। आपको बता दें, कल से ही आरजेडी के सभी विधायक तेजस्वी यादव के आवास पर मौजूद हैं। और ये जो कॉपी हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, इसमें वो शिकायत है। और लाइव तस्वीर हम आपको तेजस्वी यादव के आवास के बाहर की भी दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक ये सभी तेजस्वी यादव के आवास के अंदर गए,
पूछताछ हुई है, जानकारी हासिल की गई है पुलिस की टीम की तरफ से। आपको बता दें चेतन आनंद जो आरजेडी के विधायक हैं वो तेजस्वी यादव के आवास पर मौजूद हैं और उन्हीं के गायब होने को लेकर ये खबर, ये शिकायत दर्ज कराई गई थी पुलिस के टीम के साथ और इसलिए पुलिस की टीम तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर मिल रही है तेजस्वी यादव के आवास के बाहर हलचल काफी तेज हो चुकी है। भारी संख्या में पुलिस की टीम तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची है, पूछताछ की गई है क्योंकि कल से जो आरजेडी के विधायक तेजस्वी यादव के आवास पर है उनमें से बताया जा रहा है आरजेडी विधायक चेतन आनंद को लेकर शिकायत की गई थी। अंशुमन आनंद ने यह शिकायत की है जो अब एक एक करके देखे अपडेट सामने आता जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं एक एक अपडेट। चेतन आनंद जो आरजेडी के विधायक है वो कल से ही तेजस्वी यादव के आवास पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि उनके भाई अंशुमन आनंद ने ही पुलिस में शिकायत की, अपने भाई के गायब होने की बात पुलिस की टीम को उन्होंने बताई थी जो लेटर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे। और ये देखिए यही वो कॉपी है शिकायत की, कॉपी जो शिकायत की गई है थाना प्रभारी पाटलिपुत्र थाने में, यह शिकायत की गई है जिसमें अंशुमन आनंद जो कि चेतन आनंद के भाई हैं उन्होंने शिकायत की है कि चेतन आनंद को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है तेजस्वी यादव के आवास पर। और इसी सिलसिले में पुलिस की टीम पहुंची थी तेजस्वी यादव के आवास पर, यानी अभी तेजस्वी यादव के आवास के बाहर हलचल काफी तेज होती हुई चली जा रही है जहां हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। यहां देखिए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। बताया जा रहा है कि जो आरजेडी के विधायक तेजस्वी यादव के आवास पर है उनमें से आनंद मोहन के जो बेटे हैं चेतन आनंद वो आरजेडी के विधायक हैं और वो अभी तेजस्वी यादव के आवास पर ही मौजूद हैं। मेरे पास भी वो कॉपी है जिसमें शिकायत की गई है, मैं आपको एक एक करके उस कॉपी में जो शिकायत दर्ज है उसके बारे में बताती हूँ जिसमें लिखा है कि थाना प्रभारी पाटलिपुत्र थाना महाशय सादर पूर्वक कहना है कि मैं अंशुमन आनंद पिता आनंद मोहन मोहल्ला न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी, मकान नंबर का भी इसमें जिक्र किया गया है और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके भाई को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ लगातार बने हैं। रजनीश यानी अभी साफ हो गया है कि अंशुमन आनंद ने ही शिकायत की है, लेकिन शिकायत क्यों जब आरजेडी के सभी विधायकों को कल से ही रखा गया है तेजस्वी यादव के आवास पर? बिल्कुल देखिए फ्लोर टेस्ट से पहले जो है लगातार सियासत गर्म है और इस बीच न्यूज 18 लगातार तस्वीरें भी दिखा रहा था कि तेजस्वी यादव के आवास पर जो भी विधायक पहुंचे थे उन्हें अंदर रोक लिया गया था। उसके बाद अभी जिस प्रकार से पटना पुलिस की दबिश बढ़ी है, सिटी एसपी के साथ साथ एसडीएम हो या तमाम जो आला अधिकारी हैं वो अचानक पहुंचते हैं आधे घंटे तक अंदर, जो आप देख पा रहे हैं यही वो एंट्री गेट है, इसके अंदर तेजस्वी यादव का आवास है और उसके अंदर तमाम जो विधायक हैं उसमें हैं। अभी जो खबर आ रही है कि चेतन आनंद जो विधायक हैं उनके भाई अंशुमन आनंद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके भाई को अंदर बंद रख लिया गया है, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके बाद पटना पुलिस यहां पहुंची थी। हालांकि चेतन आनंद अभी भी अंदर ही है जहां पर तेजस्वी यादव खुद हैं, इसके साथ साथ तमाम आरजेडी के विधायक हैं और विधान पार्षद हैं। पुलिस अभी किस कारण से पूछताछ की कारण हमने बता दिया है, लेकिन चेतन आनंद को पुलिस अभी बाहर नहीं ले गई है, पुलिस को किसी प्रकार से यहां लेकिन से रजनीश हम तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं आक्रोशित है। तस्वीर तेजस्वी यादव के आवास के अंदर से सामने आई है जहां दर्शकों को हम दिखा भी दें कि तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं और उनके आसपास आरजेडी के सभी विधायक मौजूद हैं, कलाकार वहां मौजूद हैं, गाने बजाए जा रहे हैं और इसके साथ ही अगर आप तस्वीर पर गौर फरमाएं तो देखिए तेजस्वी यादव के जस्ट बगल में ही चेतन आनंद बैठे हुए हैं। चेतन आनंद